सभी को पता ही है मम्मी का ऑपरेशन बाया 100 रुपीज बाया महाराज जी कैसे हो क्या चल हाय बढ़िया बस बढ़िया सुनाओ जबर बहन के इस बच्चे की जगह क्या है छोटे छोटे फोटो देखना गाइस एग्जॉस्ट चेक करो राम राम से राम राम से पैर ऊपर रखना उससे बड़ी अच्छी बात आती है हाँ हाँ ठीक है ओके भैया तेरी खुशियों की खातिर And hi beautiful people, welcome back to the channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is me, your Jerry boy. If you don't know, now you know. और आज आप देख रहे हो भाई मैंने पकड़ी हुई है बारी. आज है भाई संडे और जैसे कि आप सभी को पता ही है मम्मी का ऑपरेशन हुआ हुआ है तो मम्मी से ज़्यादा काम नहीं होता है तो मैंने सोचा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ी तो हेल्प कर ही सकता हूँ तो आज मैं ना ऊपर वाला फ्लोर साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई. फिलहाल अभी बरांडा रहता है अंदर से मैंने कर दिया वो साफ, अब ये बरांडा रहता है बरांडा साफ करेंगे और बाथरूम भी साफ करेंगे भाई. घरेलू काम भी जरूरी है और मैं मम्मी से भी मिलवाता हूँ आपको थोड़ी देर में. पहले मैं थोड़े से काम निपटा लूँ फिर बाकी की बातचीत करते हैं आपसे आगे. तो फिलहाल के लिए गाइस काम वाम खत्म कर लिया और थोड़ा सा अभी मैं नहा धो के रेडी भी हो गया हूँ और बज रहे हैं अभी 1 बजने वाले हैं और मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया मानोगे लेट उठा थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा सा काम कुम किया और अभी मैं मिलवाता हूँ आपको मम्मी से मिलवाता हूँ भाई. आप सोच रहे होंगे हियर इज द मम्मी. मम्मी हाउ आर यू फीलिंग नाउ बेटर पेन वेन तो नहीं अब है थोड़ी थोड़ी ठीक है क्या चक्कर है ध्यान रखना मम्मा का मैं आया ठीक है. चलो ठीक है मित्रों अभी निकलते हैं मेरे को कहाँ जाना है वो मैं आपको चलते चलते बताता हूँ. फिलहाल मोड़ो व्लॉगिंग सेटअप ले लेते हैं फिर मैं आपको चलते फिरते और यहाँ पे चल रहा है भाई कपिल शर्मा का शो फिर इस द महबूबा. इसको भी मैंने बड़े दिन से नहीं निकाला भाई बड़े दिन से नहीं चलाया मैंने इसको भी. यस अपनी बाइक पर बड़े दिन बाद बैठ के ना फील ही लगाता है भाई. महबूबा ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है इसकी वजह से मैं वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में भी आया लेकिन इसने मेरा साथ भी बहुत दिया है यार. तो पहले करवाते हैं भाई इसमें थोड़ा सा पेट्रोल फिल उसके बाद आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ ठीक है. वैसे तो आप थंबनेल टाइटल देख के समझ ही जाते हो लेकिन मैं वैसे पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट आपको करता रहता हूँ. बाया 100 रुपीज़ बाया ओनली 100 रुपीज़ बाया. अभी मैं बताता हूँ आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई. हम जा रहे हैं ग्लैम बॉक्स. मैं और प्रतीक्षा भी जाएगी शायद से जाएगी शायद क्या जाएगी वो मेरे साथ. हम जा रहे हैं ग्लैम बॉक्स. उन्होंने बुलाया हुआ था कि आ जाओ कोलाब में कुछ करते हैं तो मैंने सोचा चलो. वैसे भी मैंने हेयर कलर करवाना ही था और कौन सा हेयर कलर करवाने वाला हूँ मैं वो मैं वहाँ जाके देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है. कोई सिंपल से करवाऊँगा आपको पता ही है मैं ज़्यादा छपरी होने वाले मुझे रंग बिरंगे बाल मैं करवाता नहीं हूँ. नॉर्मल सा कोई अच्छा सा कलर करवाएंगे आपको पता ही है मेरे बाल बहुत सफ़ेद हैं हो चुके हुए हैं पता नहीं यार क्यों होते हैं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है पर चलो कोई बात नहीं है. अब चलते हैं सीधे सिटी जाकर मिलते हैं आपको. मेरे पास ना राइडिंग किट हो ना बस राइडिंग किट हो फिर यार मजा आ जाए. हेलो महाराज जी कैसे हो क्या चल हाय बढ़िया बस बढ़िया सुनाओ और क्या संडे राइड बस ऐसे ही चक्कर मारने में अकेले बनाता हूँ. सही है भाई अकेले बनाओ. मैं अकेले बनाता हूँ मेरे साथ कोई नहीं होता. और सुनाओ कहाँ का प्लान है. कहीं नहीं यहीं जा रहा हूँ बस सिटी से थोड़ा घूम के आ जाऊंगा. और बताओ क्या ये क्या चल रहा है यहाँ पे रिंग लाइट के साथ. ओ भाई ठीक है ठीक है. और सुनाओ क्या गपशप है. ओ ZX10R ओ भाई साहब क्या बात है. अभी नहीं मैं दूर से देख रहा था ग्रीन कलर की मैं जानू इस साइड तो आ नहीं सकता फिर मैंने ध्यान से देखा बंदा अपना ही है. काम कर दो मेरा साइड पे आओ चलो मैं बना देता हूँ कोई बात नहीं है. क्या वो विली मान लगे हो विली. नहीं, हाँ खुद लगवाया था कि मिला ऐसे नंबर ये वाला. नहीं, पहले भी ऐसे. अच्छा है फिर तो. स्नाइपर स्नाइपर चेक करो अपनी स्नाइपर. ये पुरानी वाली ZX10R है ना ये कौन सा मॉडल है. ये मॉडल कौन सा है. 2017 मॉडल.
एक रील बनाने लगे हम मानिक भाई की, पर यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं अभी। दो ना फिर एक चलते वो लेना बस थोड़ा सा, है ना। ऑन क्यों नहीं हो रही? अच्छा, तो भाई इधर चेक कर रहे हैं अभी हम मानिक कतरी साहब की ZX10R। ओए होए होए होए, ओ भाई साहब छोटा सा लेते हैं भाई इस पे ट्रायल, मेरे को तो डर ही लग रहा है। ओ हो 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 भाई, ये तो जहाज है। ये तो जहाज है भाई, जहाज। मेरे को डर ही लग रहा है भाई इसको चलाते, इसको मोड़ लेते हैं यहीं से क्योंकि अभी रॉन्ग साइड है हम। एग्जॉस्ट चेक करो, हमारी एक रील भी बन गई छोटी सी, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ ये ड्रॉप कर दो। देखो जूबा, यहाँ शाओ और यहाँ धूप, वाओ। ये देखो आगे आगे जाती जा रही है। तो भाई हमको जाना है शास्त्री नगर, शास्त्री नगर वाले ग्लैम बॉक्स। अगर आपने मेरे पहले वाले पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको मालूम ही होगा मैं पहले भी गया था, जो सरवाल वाला है वहाँ पे विज़िट कर चुका हूँ मैं एक बार। तो इस बार हमको जाना है शास्त्री नगर वाले, मतलब कि प्रतीक्षा के घर के पास ही है वो, तो प्रतीक्षा वहाँ पे खुद ही आ जाएगी। तो अभी मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ और अभी हैं हम कुछ गांधीनगर की सड़कों पर। क्या बात है, ज़्यादा दिन बाद अपनी बाइक चलाओ ना तो उसमें भी एक अलग ही फील आता है भाई। और इस और मौसम भी थोड़ा ऐसे ही हो ना तो ठीक है, और मौसम की भी कुछ समझ नहीं आ रही है भाई। कभी समझ लगता है कि ठंडे कपड़े अंदर रख दो, मतलब गर्म कपड़े अंदर रखूं या बाहर निकालूं, जैसे ही अंदर निकाल रखो फिर से ठंड हो जाती है। और कल तो इतनी बारिश थी, मौसम इतना ठंडा ठंडा था, और आज फिर थोड़ी गर्म है, मतलब गर्मी है इतना ज़्यादा ठंडा ना गर्मी है। और बाजू में लगाई हुई है तो ना इसमें ज़्यादा गर्मी लग रही है और ना ही ज़्यादा ठंड, ऐसी गर्मियाँ निकल जाए ना सारियाँ तो फिर ठीक है। ढूंढ रहा हूँ मैं ग्लैम बॉक्स। हाँ ये 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 रहा भाई। तो अभी आ चुके हैं हम ग्लैम बॉक्स 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 बॉक्स। और प्रतीक्षा यहाँ पे पहले ही पहुंच गई मुझे लग रहा है। महाराज जी क्या हाल है, ठीक हो? और आज तो चंगा रश है, मतलब हम गलत टाइम पे आए, मतलब कोई नहीं। तू को ले आई, तेरे घर के तो पास ही है ये, मेरे को लगा था दूर है, मेरे को लगा था दूर है। चल ठीक है ओके। किसकी चप्पल पहन के आई तू, किस बच्चे की जुड़ा के आई? छोटे छोटे फोटो देखना गाइस, छोटे छोटे फोटो। कहाँ से? दिल्ली से दी थी। किन्ने दी? 20 रुपये दी। 350 टोपी की नहीं, 110 रुपये दी मेरा आईडी। ओह सॉरी सॉरी। फिलहाल के लिए हम वापस ही जा रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं करवाया आज क्योंकि यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा रश है। तो प्रतीक्षा क्या करना फिर? अब मोमो खाने, पिज्जा खाना, अदरक लहसुन क्या खाना? चल जिम जाती हूँ, एक दिन जिम जाना, हफ्ते की तेरी छुट्टी होती है। जिम चले तेरी, तेरी जिम चले। आज संडे है, आज संडे है, कौन सी जिम आज? किसको पागल बना रही है? बैठ। कल भी मुझे थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, तो अब परसों आना होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे भाई क्या है ये, फालूदा, फालूदा खाएंगे भाई, फालूदा जी। बे चॉकलेट, चॉकलेट तो तू कहती थी फालूदा शेक भी ना, में आता है, मतलब बादाम शेक में भी आता है, फालूदे में भी आता है। हाँ कर दो, एक बाद में एक बादाम शेक बना दो, एक फालूदा। हाँ नहीं
कुछ वो कर लेंगे ना, बना दो दोनों बना दो एक एक। तो इधर भाई अभी आया हुआ था हम बेकर्स और नीतीश भैया अभी आए हैं यहाँ पे गंदा सा पजामा डाल के। गंदा ही होता है, साफ सुथरे बनते कदू है मैं सुनाओ पहले कदम डेल गड्डी लास्ट टाइम तैयार कदू है सुनाओ मैं लास्ट टाइम तैयार कदू है हैं मोए हुए कल तैयार के पाया हा एक बूट गाइस ए भगवान। विशु जी अगर आप ब्लॉग देख रहे हो ना बड़ा हो जो मर्जी है साफ तो कर सकता ना बंदा काम काज करने वाले बंदे के काम काज करने वाले बंदे की होंगे कि अपने आप हाइजीन नहीं रखते अपने आप को हाइजीन नहीं रखते हाइजीन रखते हो सिर मुझे हाइजीन रखते हो मुंह देखो दाढ़ी रखी है गंदी जी मैं गंदा जहा पजामा पाया काम काज हम नहीं करते काम काज कोई हम वेले बैठे हैं वो क्या करे पिछा हेलो ओ ट्विटी पैड पैडी पैडी क्लब उधर से तू बच्ची आ रही है रील बना रही है मैं भी बना लेता हूँ तो चलो भाई बेकर्स बैठे हुए थे खा पी लिया है और अभी चलते हैं इसको घर पे तरटते हैं इसके और फिर अपने घर चलते हैं लेट्स गो चलें क्या कराना त्रटना तू अगर पे त्रट्टिया मारना दी घर से चल भाई चलाना मोटरसाइकिल चल चल गाड़ी को मार सीधे जाके स्विफ्ट को हाँ बस इतना बस 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 रेस दे थोड़ी सी रेस तो दे रेस दे ना चल हाँ चल टांग ऊपर रख ले अब हाँ बस 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 तेज नहीं करना बस बस इतने चलने हाँ दे दे रेस दे रेस दे रेस दे मैं पकड़ा हुआ तू पौने नहीं लगा नीचे हाँ हाँ जान दे तू स्कूटी ले ले राम राम से पैर ऊपर रखना हाँ ठोक वही बस बस वही बस इन्ना चलाना चलें फिर चल फिर बैठ अब ज़्यादा नहीं खेलते बच्चे ये बंद कर के कदरू नहीं होनी है कोई ज़्यादा तो कोई डीर हुआ ही नहीं है तू गाइस हमने एक डोगरी रील भी बनाई है जब तक आप व्लॉग देखोगे तब तक इंस्टा पे वो आ चुकी होगी वो भी देख लेना बड़ी मस्त बनी है इसकी बेइज्जती की है मैंने उसमें जो कि मैं हमेशा ही करता रहता हूँ वैसे तो। और गांधीनगर गोल मार्केट में सबसे सही चीज़ ये हुई है यहाँ पे मतलब पहले जो रास्ता होता था तो गाड़ियाँ कोई साइड पर लगा रहा कोई कहीं लगा रहा तो जाम लग जाता था तो अब ये चीज़ सही होगी कि यहाँ पर पूरी की पूरी पार्किंग टाइप ही बना दी हुई है टॉपी मार लाऊंगा ठीक है तेरे गेट के पास टॉपी मारूंगा ठीक है थोड़ा संभाल के बैठना संभाल के बैठना ए, 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 मुझे मारने नहीं आती यार मेरे चैनल का नाम साहिल जेरी हाँ जरूरी थोड़ा ना सभी जाने हमको कुछ कुछ लोग नहीं भी जानते हैं चल ठीक है बाय टाटा अंकल की क्या कर रहा है भाई ये देखो दिस इज वुमेन समझ रहे हो आप तो भाई बड़े दिनों से मैंने आपको बाबा वाली माता के भी दर्शन नहीं करवाए अपने तवे वाले पुल से जैसे कि आप सभी को पता ही है मैं आते जाते यहाँ से आपको दर्शन करवाते रहता हूँ तो ये रही भाई बावे वाला पुल मतलब तवी वाला पुल और ये रही बावे वाली माता दर्शन कर लो और जय माता दी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो ठीक है मित्रों चलो अभी निकलते हैं आपको माइक अलग से लेना पड़ेगा जैसे कि ये आप आपके पास कौन सा फ़ोन है हेडफोन्स हैं आईफोन के हेडफोन ले लेना वो भी ठीक रहते हैं अच्छी बात आती है
अदर साउंड बढ़िया है। हाँ 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 मैंने ये वाला यूज़ करता। अच्छा अच्छा मैंने सोचा बाद में एडजस्ट करता हूँ आवाज। अच्छा वो फिर भी आवाज सही नहीं। हाँ 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 साइड वाली आवाज बड़ी लेती है। हेडफोन्स लगा लेना था। अच्छा उससे बड़ी अच्छी आवाज आती है। हाँ हाँ ठीक है ओके भैया। मैंने सोचा हम रोकने मेरे को भैया भाई ट्रैफिक वाले भैया ने मुझे रोका भाई आगे से बुलाया मैं मुड़ के आया भाई वापस। मैंने सोचा भाई पता नहीं क्या चक्कर हो गया। पहले मैं सोच रहा था कि भाग जाऊं पता नहीं क्यों रोका मुझे। फिर बाद में पूछ रहे थे कि माइक कौन सा यूज करते हो भाई तो बस वही बता रहा था मैं उनको। मुझे अच्छा लगा यार कि जब जेके के कॉप्स हैं जो वो भी राइड वाइड करते हैं व्लॉग श्लॉग कर रहे हैं भाई बहुत अच्छी चीज़ है ये। इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया इस चीज़ में तो ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। वो तो लकी है कि किसका क्या कंटेंट कब वायरल हो जाए और हो जाए। बस बात इतनी है कि आपको जितना सिंपल रहोगे ना जितना सिंपल या तो फिर बिल्कुल सिंपल रहो और या फिर बिल्कुल क्रिंज बन जाओ। यही दो चीज़ें चलती हैं भाई। अगर आप थोड़े मिडिल हो ना ज़्यादा क्रिंज और ना ज़्यादा सिंपल तो फिर भाई आप नहीं चल सकते यूट्यूब पे। ये मेरी बात लिख के ले लेना ठीक है। ऐसा ही होता है भाई यूट्यूब पर।